खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों के चयन का पेच फंसा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की हरिद्वार व नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की है, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। वही इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 1 से 2 दिनों में दोनों लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, इस पार्टी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और निगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी।